नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई ऐसी तीन चीज़ें जिन तीन चीज़ों से आपको कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। और अगर आप गलती से भी उन तीन चीज़ों से शर्माते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो अगर आपको जानना है कि कौन सी है वह तीन चीज़ें जिन चीज़ों से आपको शर्माना नहीं चाहिए, तो इसलिए आज की इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल ऑल इन्फो अपडेट। सबसे पहले जो चीज़ है वह कौन सी है दोस्तों, कि अपने बूढ़े माँ बाप से। जी हाँ दोस्तों आचार्य चाणक्य अपने चाणक्य नीति ग्रंथ में ऐसा बोलते हैं कि कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने बूढ़े माँ बाप से शर्म नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को एक ऐसी गंदी आदत होती है कि जब उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनके साथ घूमने में उनको शर्म आती है। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इन बूढ़े लोगों के साथ घूमूंगा तो मुझ पर मेरे दोस्त लोग, मुझ पर मेरे आस पड़ोस के लोग हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आचार्य चाणक्य ऐसा कहते हैं, अगर आपके माँ बाप बूढ़े भी हो गए हैं पर आपके लिए वह भगवान के समान है, इसलिए आपको कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप से शर्म नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई मनुष्य अपने बूढ़े माँ बाप से शर्म करता है तो वह मनुष्य अपने पूरे ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं बन सकता। तो दोस्तों इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखें। जो दूसरी चीज़ है वह कौन सी है दोस्तों, कि अपने गरीब दोस्तों से। जी हाँ दोस्तों चाणक्य के अनुसार दोस्ती का कोई मज़हब नहीं होता। दोस्त चाहे गरीब हो या अमीर, दोस्त दोस्त होता है। इसलिए अगर आपके दोस्त लोग गरीब है, उनकी आर्थिक स्थिति बेकार है, उनके पास पैसा कम है, तो इसी कारण से आपको कभी भी अपने गरीब दोस्तों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी भी मुसीबत में फंसोगे तो वही गरीब दोस्त आपके काम आएंगे। तो इसलिए अगर आपके दोस्त लोग गरीब है तो इसी कारण से आपको कभी भी अपने गरीब मित्रों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। जो तीसरी चीज़ है वह कौन सी है दोस्तों, कि खुद की सुंदरता से। जी हाँ दोस्तों चाणक्य ऐसा कहते हैं कि आप चाहे छोटे हो या मोटे, आप चाहे काले हो या गोरे, आपको कभी भी अपने सुंदरता से शर्माना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप जैसे भी हो उसमें आपको संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आप गलती से भी अपने सुंदरता से शर्माते हो, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी हाइट बहुत छोटी है, मेरा कलर बहुत काला है, तो बाकी के लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर हंसेंगे, तो ऐसा होने से आप खुद के मन में ही आप हार जाते हो। और जो इंसान अपने मन से हार जाता है वह कभी भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन सकता। तो अगर आपको अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो आपको कभी भी अपने सुंदरता से, अपने व्यक्तिमत्व से कभी भी शर्माना नहीं चाहिए।